पानीपत में होली के रंगों में चुनावी तड़का लगा दिख रहा है। होली के बहाने कई सियासी लोग शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। होली के रंगों में बीजेपी के एक निगम पार्षद ने तो हजारों की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया, हालांकि वो इसे सामाजिक आयोजन का नाम दे रहे हैं। होली के रंगों में चुनावी तड़का भी नजर आ रहा है। सियासत से जुड़े लोग होली के बहाने अपने समर्थकों और करीबियों को आमंत्रित कर अपनी पार्टी को ताकत ही नहीं दिखा रहे, बल्कि वोटर्स में भी चर्चा का केंद्र बन गए हैं। पानीपत के बीजेपी निगम पार्षद विजय जैन पिछले कई महीनों से पानीपत ग्रामीण विधानसभा पर दावा ठोक गांवों और कॉलोनियों का दौरा कर रहे थे। अब होली मिलन में हजारों समर्थकों और शुभचिंतकों को बुलाकर उन्होंने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो आपको और सभी साथियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा, जितना मुझे प्यार मिला इन सबको, इन सबके घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली करना। जैसा मेरे छोटे से बुलावे पर ये पानीपत ग्रामीण की जनता का प्यार मुझे मिला है, हुजूम उमड़ गया है, जीटी रोड पे भी जाम लग गया है, मैं सबके लिए धन्यवाद करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ पानीपत ग्रामीण की जनता को जिन्होंने मुझे इतना भरपूर आशीर्वाद दिया है। गौरतलब है कि निगम पार्षद विजय जैन का ये होली मिलन पूरा दिन शहर और विधानसभा में चर्चा बना रहा। कई बड़े संत भी विजय जैन को आशीर्वाद देने पहुंचे। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में बड़े खुशी के साथ, अमन और चैन के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। और इस बार मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा होली का, सब खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बहुत सुंदर प्रकृति का वातावरण भी स्वच्छ है, समाज का, देश का वातावरण भी स्वच्छ है, और मैं तो यही कहूंगा मानवता का प्रतीक देश धर्म से ऊपर उठ करके हम होली के पर्व को मनाएं, समाज में बट करके नहीं। गौरतलब है कि पानीपत के एक बड़े बिजनेसमैन विजय जैन ने समाज सेवा के लिए दिसंबर 2018 में बीजेपी की टिकट पर निगम पार्षद का चुनाव लड़ा और जीता, पर निगम में फैले भ्रष्टाचार और लोगों की परेशानियों को देखते हुए शायद उन्हें ये पद पसंद नहीं आया और उन्होंने विधायक बनने की ठान ली। लोगों का साथ मिला तो विजय जैन अब एक स्थापित और महत्वाकांक्षी नेता बनकर उभरे हैं। नहीं, सबकी इच्छा आगे बढ़ने की होती है। हमने तो आज खाली एक होली मिलन का प्रोग्राम रखा था, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ना कोई राजनीति का वो था। मैंने सभी साथियों को बुलाया है, सभी साथियों ने भरपूर अपने साथियों के साथ आकर मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा परिवार शुरू से ही सेवा करता रहा है, चाहे हम 2002 में यहाँ आ गए थे, 1989 में हमारी फैक्ट्री लगी थी, तभी से हमारा रहता कि कोई भी गरीब जनता जरूरतमंद है हम उनके काम आ सके। हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरु महाराज ने हमें संस्कार दिए है कि किसी जरूरतमंद की सेवा करे। गौरतलब है कि विजय जैन बीजेपी की टिकट के चाहवान हैं, पर ये भी है कि उनका कद अब इतना बड़ा हो गया है कि दूसरी सियासी पार्टियां भी उन्हें मजबूत मानकर अपने साथ ले जाना चाहें। आ चल, यानी आज वो एक चमकता सितारा बन गए हैं। और हाँ, बात पानीपत की चली है तो चौक चौराहों पर होली मिलन के आजकल जो होर्डिंग्स लगे हैं उनमें बीजेपी विधायक और भावी ने कहीं कहीं अपनी ही पार्टी के प्रतिनिधि नेता की फोटो तो छोड़ ही दी, पार्टी के जिला प्रभारी की भी फोटो किसी ने नहीं लगाई। जिसने सब की फोटो लगाई वो पानीपत ग्रामीण के बीजेपी विधायक महीपाल ढांडा हैं, वो भी 8 मार्च को होली मिलन कर रहे हैं, यानी होली के रंगों में अब चुनावी तड़का लगा है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।